महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि MVA आघाड़ी के जो सहयोगी दल है वे उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी नहीं बनने देंगे। जो ठाकरे कह रहे हैं कि जो हमसे मुख्यमंत्री का चेहरा पूछ रहे हैं महायुति में, बताया कि कौन है, एकनाथ शिंदे होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे कि अजीत पवार होंगे? देखिए, महायुति में ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री है, लेकिन जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में लोकसभा में टेबल हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उद्धव ठाकरे जी के जो 9 MPs है, अरविंद सावंत जी से लेकर सभी जो MPs हैं, वे गायब हुए, जानबूझ के गायब हुए। तो एक प्रकार से उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय तो नहीं हो पाया, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे की डिमांड जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कर रहे थे, उनका वो सपना फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आश्वासन अभी बाकी के दो जो घटक दल के नेता हैं उनकी तरफ से नहीं मिला। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा जी हैं। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, ओपन एक तरह से ऑफर दिया उद्धव ठाकरे ने, कहा कि आप दोनों जो साथी दल हैं कांग्रेस और शरद पवार के, उनकी तरफ से कोई चेहरा अनाउंस कीजिए, मैं देता हूं सपोर्ट, लेकिन कोई नाम डिस्कस होने के बाद भी ऐलान नहीं हो पाया, कैसे देखते हैं सर? मैं यही कहूंगा आपके माध्यम, इंडिया टीवी के माध्यम से, कि जो लोग महाविकास आघाड़ी में CM कैंडिडेट, मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि MVA आघाड़ी के जो सहयोगी दल है वे उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी नहीं बनने देंगे। और इसलिए आज मैं आपके माध्यम से एक बात कह सकता हूं कि MVA में न तो CM कैंडिडेट है, न तो एक एजेंडा है, न तो कोई सकारात्मक काम वे जनता के सामने लाना चाहते हैं। उनका एक ही काम है कि जो भी अच्छा काम महायुति सरकार करे, जो भी अच्छा काम केंद्र सरकार करे, जो भी अच्छा काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करे मुंबईकरों के लिए, महाराष्ट्रवासियों के लिए, उसका राजनीतिकरण करे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो हमसे मुख्यमंत्री का चेहरा पूछ रहे हैं महायुति में, बताया कि कौन है, एकनाथ शिंदे होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे कि अजीत पवार होंगे? देखिए, महायुति में ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री है, तो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है भाई? तो हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तय माना जाए कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 24। वो आपको औपचारिक रूप से कुछ दिन में बताया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन दूसरे साइड पे है। और केवल कन्फ्यूजन नहीं, सार्वजनिक रूप से कोई मांग रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दो, तो बहुत बड़ी अफसोस की बात है। जनता के सामने जनता क्या चाहती है आज, महाराष्ट्र मुंबई की जनता, कि कौन सी पार्टी, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी अलायंस हमारे सामने कोई सकारात्मक काम ला रहे। जनता को काम से मतलब है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो बहुत दूर की बात है, उनको काम से मतलब है। तो सकारात्मक काम जनता के सामने लाना वो अधिक महत्वपूर्ण। कोलकाता की घटना जो हुई है सर, उसको लेकर डॉक्टरों में काफी ज्यादा निराशा है, गुस्सा है। इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार कर रही है, CBI ने अब जो है टेक ओवर कर लिया है, लेकिन जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं हो रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं इस घटना? देखिए, मैं महिलाओं का और खास करके महिलाओं डॉक्टरों का जो की जो वेदना है, उनकी जो दर्द है, गुस्सा है, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। और ऐसे मुद्दों का मैं कभी भी, मैंने अतीत में भी कभी राजनीतिकरण नहीं किया, न तो मैं भविष्य में करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से महिला डॉक्टरों को अपने दिल के गहराइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे वापस काम पे जाएं। पूरे देश में मैं जानता हूँ कि महिला प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर की हमारे समाज में, अस्पतालों में डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर एक प्रकार से एक एसेंशियल वर्कफोर्स है। और मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनेताओं को, चाहे वे MP हो, MLA हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, इस मुद्दे पर हमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, सभी को साथ में आकर इस बात का हमें महिलाओं को गारंटी देना चाहिए कि कोलकाता में जो हुआ, अपराधियों को और जो लोग दोषी हैं, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होकर देश की महिलाओं को एक संदेश पहुंचाना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, ऐसी घटना कभी भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में हम नहीं होने देंगे। आप संजय राउत बंदर का बच्चा कहते हैं श्रीकांत शिंदे को, प्रधान मुख्यमंत्री को बंदर कहते हैं, इस तरीके के बिलो द बेल्ट जाके जो कमेंट किए जा रहे हैं विपक्ष के एक नेता की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे?
जो लोगों के दिमाग में कचरा है, वो स्वाभाविक है कि उनके मुंह से भी वो कचरा निकलता है। जिनके दिमाग में कोई सकारात्मक बातें हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम महाराष्ट्र को, मुंबई को किस तरह से आगे बढ़ाएं, तो उनके मुंह से भी कुछ पॉजिटिव बातें निकले। और मैंने देखा है कि दो प्रकार के एमपी होते हैं हमारे देश में। एक जो अच्छा काम के बारे में बातचीत करते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में हम किस तरह से अपने लोगों की समस्याओं को दूर करें, हमारे राज्य को हम किस तरह से मजबूत करें। डॉक्टर शिंदे उन एमपीज में से एक है, एमपी है। दूसरे प्रकार के एमपीज होते हैं जो हर टाइम वो जो कचरा है उनके दिमाग में, वो कचरा मुंह से निकलता है। अफसोस की बात है कि उभटा में दूसरे प्रकार के बहुत सारे एमपीज हैं। आखिरी सवाल सर, वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बात वक्फ बोर्ड के जो है लेकर अधिकार को हो रही है, बिल लाया गया लोकसभा में, लेकिन जो अयोध्या में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें कई सारे उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, उस पर नहीं बात चल रही। आज उभटा पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। उन्होंने लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों का उन्होंने वोट लिया, उन्होंने मुसलमानों को कहा कि हम आपके हितों के लिए हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आपकी आवाज़ पार्लियामेंट तक बुलंद करेंगे। मैंने कई भाषण उनकी सुने, उनके एमपी उम्मीदवारों का। लेकिन जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में, लोकसभा में टेबल हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, जब सभी पार्टी के नेताओं ने इस पर दो शब्द कहा, एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए उन्होंने दो शब्द कहा, उस समय उभटा के 9 MPs जो है, उद्धव ठाकरे जी के जो 9 MPs है, अरविंद सावंत जी से लेकर सभी जो MPs हैं, वे गायब हुए, जानबूझ के गायब हुए। तो एक प्रकार से उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। उनका क्या उद्देश्य, उनको वो सोच रहे हैं कि हम हिंदुत्व भी चलाएंगे और तुष्टीकरण भी चलाएंगे, ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता, हिंदू हो या मुसलमान हो, वे उनको एक्सपोज करेगी। से बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मिलिंद देवड़ा, कैमरामैन विजन भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।